हाँ, तो टुडे वी आर गोइंग टू रीड सीड एंड सी एंड इन दिस पार्ट वी विल रीड अबाउट द फूड ऑफ प्लांट्स, हाउ द प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है, क्योंकि देखिए हम लोग अपने खाने के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंड होते हैं। पेड़ पौधे अगर हमें फ्रूट ना दें या अनाज ना दें, प्लांट्स से अगर हमें ग्रेन्स ना मिले, तो हम लोग का पेट नहीं भर सकता, हम लोग खा नहीं सकते। बट प्लांट्स या ट्रीज एक जगह सॉयल में दबे रहते हैं, वो एक जगह से दूसरे जगह चल नहीं सकते, मूव नहीं कर सकते, बट दे ऑल्सो फीड, मतलब वो अपने आप को भोजन कराते हैं। तो भोजन कराने के लिए इनके पास एक फैक्ट्री है, भोजन बनाने के लिए फैक्ट्री है। हमारे पास तो एक केवल किचन है जिसमें हम भोजन बनाते हैं, बट पेड़ पौधों के पास पूरी फैक्ट्री एक होती है, और वो फैक्ट्री क्या कहलाती है, फैक्ट्री को क्या बोलते हैं? ये क्या चीज है बेटा? सलीम सर यस, इसको लीफ लीफ बोलते हैं। एक अगर है तो लीफ है, और बहुत सारी हैं तो लीव्स होंगी। लीफ ठीक है, वो लीफ का प्लूरल जो होता है लीव्स होता है, उसकी स्पेलिंग होती है LEAVES। लीव्स माने बहुत सारे पत्ते, और एक लीफ मतलब केवल पत्ती। और लीफ को क्या ओके बोलते हैं? लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्वेश्चन अगर कभी कभी आता है, क्वेश्चन है व्हाट What इज ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, ऑफ प्लांट्स। ठीक है, व्हाट इज ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, तो आप आंसर में लिख देंगे लीफ। लीव्स आर ऑल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ व्हाट? बोल नहीं रहे हैं आप लोग? यस सर लीव्स आर ऑल्सो नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, मतलब लीव्स को प्लांट का फूड फैक्ट्री भी बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हाँ, तो दीपांशी सर में क्या सब बहुत आवाज आ रही है। दीपांशी शर्मा म्यूट योर माइक। यस, तो अब दूसरी चीज है कि ये फूड कैसे बनाती है, लीव्स किस तरीके से फूड बनाती है। तो होता क्या है कि इसके अंदर एक एक नई चीज पाई जाती है, एक अलग चीज, एक विशेष चीज पाई जाती है, स्पेशल चीज पाई जाती है, जो इन पत्तियों को ग्रीन किए रहता है। पत्तियां किसके कारण ग्रीन होती हैं? उसी चीज के कारण ग्रीन होती हैं। किसके कारण? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल एक ऐसा ग्रीन पिगमेंट है, ग्रीन केमिकल है, जिसके कारण पत्तियां क्या होती हैं? ग्रीन रहती हैं। ठीक ग्रीन है, तो लिखें कि क्वेश्चन होगा अगला, व्हाट इज क्लोरो फिल? क्लोरोफिल क्या होता है? तो क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट ग्रीन पिगमेंट बाय विच नहीं
विच हेल्प द प्लांट टू मेक देयर फूड. ओके मतलब ये ग्रीन पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का एक केमिकल होता है जिस जो कि पौधों को भोजन बनाने में हेल्प करता है. ठीक है, और इसी के कारण प्लांट्स की जो लीफ होती है वो ग्रीन कलर की होती है. ठीक है, ये दो क्वेश्चन हुआ. अभी अब तीसरा क्वेश्चन, थोड़ा जगह कम बचेगी लेकिन मैं इसी पे लिख रहा हूं आप लोग को. दिखाई देगा ना, थोड़ा सा चमक रहा है इधर. चलिए दिखाई देगा. क्वेश्चन नंबर 3 की है? हाँ, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया. अब क्वेश्चन नंबर थ्री. अभी आज का क्वेश्चन नंबर 3 है. पूरे चैप्टर में तो बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं. ठीक है, ये हो गया. व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? तो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. ठीक, मतलब फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसके द्वारा ग्रीन पौधे, ग्रीन प्लांट सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं. ठीक है, 3 क्वेश्चन आज का है. पहला क्वेश्चन, व्हाट इज आल्सो नोन एज फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट. मतलब फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसे कहते हैं? तो लीव्स को फूड फैक्ट्री के बोलते हैं प्लांट्स का. ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज क्लोरोफिल? तो क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है जो कि पौधों के भोजन बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है. एंड थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या है? तो फोटोसिंथेसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं. जैसे हम लोगों का भोजन कैसे बनता है? कुकिंग के द्वारा. किसके यहां से आवाज आ रही है भाई? जिज्ञासा है पारुल. पता नहीं क्या क्या करते रहते हो तुम लोग. हाँ, तो हमारे यहाँ जो प्रोसेस होती है वो कुकिंग होती है. हम लोग किचन में कुकिंग करते हैं तब हमें हमारा भोजन प्रिपेयर होता है. ठीक है, इसी तरीके से पेड़ पौधे क्या करते हैं? सनलाइट जब आती है, सनलाइट के प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं और उसी खाना बनाने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस. यस, तो अब ये चैप्टर पूरा पूरा खत्म हुआ. अब हम लोग बकरीद के एक दिन बाद मिलेंगे और उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? अगला चैप्टर. एंड अगला चैप्टर इज एक्सपेरिमेंट विद वाटर. ठीक है, यस सर. क्या पढ़ेंगे? एवरी ड्रॉप काउंट. अच्छा, एवरी ड्रॉप काउंट पहले. यस यस, एवरी ड्रॉप काउंट उसी को पढ़ेंगे. इसके बाद हम लोगों का ये चैप्टर खत्म.